ये जो वीडियो है हमारा उसमें हम समझेंगे ये जो मोटर जो है जो देखने जाओ तो बहुत सारी चीजों में यूज होती है। हमारे आसपास ऐसी इतनी सारी चीजें जहां पर मोटर का यूज होता है, जैसे देखो फैन हमारे घर में यूज करते हैं, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, कार्स देखो, व्हीकल सारे देखो, हर जगह मोटर का इस्तेमाल होता है। तो अब आज हम समझें कि ये मोटर के अंदर होता क्या है, ये मोटर जो वो गोल गोल घूमता क्यों है। वैसे हमने एक वीडियो में डाइसेक्शन ऑफ मोटर का भी हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमारा कॉइल था वो गोल गोल घूम रहा है, बट वो क्यों घूम रहा है और उसके अंदर मोटर के अंदर ऐसा क्या है और किसकी वजह से ये मोटर जो वो गोल गोल घूमता है वो आज हम समझेंगे। तो वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू अ डाइसेक्शन ऑफ अ मोटर टूडे। इसमें हम लोग टॉय मोटर जो आती है 9 वोल्ट की, उसका हम लोग डाइसेक्शन करेंगे। यही प्रेटी मच सिमिलर कंपोनेंट्स कोई भी मोटर में जाओ, छोटा मोटर हो कि बड़ा मोटर हो, सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल इज व्हाट यू विल ऑलवेज फाइंड इन दैट मोटर। तो डाइसेक्शन के लिए मैंने एक पुराना एक मोटर ले लिया है और मैं सीजर का यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा, सीजर का जो पॉइंटेड पार्ट है उसका मैं इस्तेमाल करूंगा ये मोटर को खोलने के लिए। प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट ट्राई दिस यू नो अलोन, मेक श्योर समवन एल्डर इज देयर विद यू व्हेन यू ट्राइंग इट, बिकॉज़ दिस इज पॉइंटेड, इट माइट हर्ट यू। तो सिंपली हम ये जो सीजर का जो ये पार्ट है वो यहाँ पर मोटर में यहाँ पे एक टर्निंग्स होते हैं उसके अंदर में डालूंगा और ये टर्निंग्स को मैं ओपन करूंगा दोनों साइड से। जब मैं दोनों साइड से इसको ओपन करूंगा ये इसका जो ब्लैक पार्ट है जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं उसको हम सिंपली वो अलग हो जाएगा, ऐसे सिंपली वो लोग वैसे निकल जाएगा। तो ये पार्ट जो होता है जिसको कंप्यूटर बोलते हैं, जहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी का सप्लाई होता है, और मोटर का काम ये होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। तो यहां से वो पास होता है और ये पार्ट जो है वो टच होता है ये हमारे आयरन रॉड के साथ। ये आयरन रॉड है जिसको अगर मैं खोलूं तो पूरा कॉपर का टर्निंग्स किया हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखें आई जस्ट टेक इट आउट, और ये रॉड के आसपास देखें पूरा कॉपर का टर्निंग्स किया हुआ है। तो ये पार्ट जो है जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह काम करेगा जब तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो चालू है। फिर ये जो पार्ट है जिसको हम ब्रशेज बोलते हैं, ये जो पार्ट है जो बेसिकली ये कॉइल को अंदर के जो हिस्से हैं यहाँ पर, अब अंदर देखेंगे गोल क्यों घूमता है उसका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है अब हमें जाके पता चलेगा। तो देखने जाओ तो मोटर के दोनों एंड पर एक यहाँ पर उसकी जो शील्ड है शील्ड के साथ कनेक्टेड मैग्नेट्स है, एक मैग्नेट जो है दैट इज फेसिंग नॉर्थ साइड, दूसरा मैग्नेट है दैट इज फेसिंग साउथ साइड जिसको चिपकाया हुआ रहता है। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया और ये तो परमानेंट मैग्नेट्स है, तो जैसे इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, तो इसमें भी नॉर्थ एंड साउथ पोल हमारे बन जाएंगे। तो होता क्या है कि जैसे ही ये नॉर्थ एंड साउथ पोल बन गए और ये जैसे नॉर्थ को फेस करेगा तो वो डिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही साउथ को फेस करेगा तो डिफ्लेक्ट करेगा, वैसे वो कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्ट करता रहता है, इसलिए मोटर जो है हमारा गोल 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 घूमता रहता है कंटिन्यूअसली। सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मोटर। यू शुड ट्राई दिस आउट, यू शुड ओपन दिस मोटर, इट्स वेरी सिंपल टू ओपन बेसिकली, एंड ट्राई टू सी द पार्ट्स व्हिच इज देयर इनसाइड द मोटर।